Happy Valentine's Day. Small gift for you. Please. Excuse me, sir. आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? अरे आपका एड्रेस पता करना मेरे लिए मुश्किल थोड़ी है। By the way, lovely decorations. Wow, amazing. Open it, please. At least see what I've got. अरे I insist. It's a gift. Please, please. सर आई एम सॉरी पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि बहुत एक्सपेंसिव है। अरे आपने मेरी मदद की थी, मेरा गीजर ठीक किया था। प्लीज प्लीज इट्स जस्ट अ स्मॉल रिटर्न गिफ्ट। प्लीज प्लीज, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। हेलो, हाय अनिमेश आहूजा, जानवी जहाँ रिसेप्शनिस्ट है उसी होटल में मेरा एक रूम परमानेंटली बुक रहता है। आई मस्ट से कि जानवी बहुत मेहनती है, इसने मेरे रूम में आकर सर गर्म पानी नहीं आ रहा था। प्लीज विल यू स्टॉप इट। अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ भाई। हाँ एक्चुअली हुआ ये, मैंने रिसेप्शन में फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई हाउसकीपिंग वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे, मेरा गीजर काम नहीं कर रहा है, मैं ठंडे पानी में नहीं नहा सकता। हालांकि एक रिसेप्शनिस्ट को किसी के रूम में नहीं आना चाहिए उसका गीजर ठीक करने के लिए, लेकिन जानवी मेरे रूम में आ गई और इसने ठीक कर दिया स्विच। कहानी वहां खत्म नहीं होती है, आगे सुनो। ये गीजर ठीक करती हैं और वहां से जाने लगती हैं। जैसे जाने लगी मैंने इसे पकड़ लिया। मर्द तो होते ही ऐसे है ना, नियत कभी कभी सुंदर लड़की को देखकर खराब हो जाती है। वही हुआ इसे देखकर, मैंने इसे पकड़ लिया, लेकिन इसने क्या किया, ये मुझसे लड़ पड़ी, घुमाकर मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। और इतनी अच्छी लड़की है ये, इसने मैनेजमेंट से मेरी कंप्लेंट नहीं की। पता क्यों? क्योंकि इसे लगा होगा कि मैं एम्बैरेस हो जाऊंगा मैनेजमेंट के सामने, भाई रेगुलर कस्टमर हूं। दैट इज व्हाई आई रियली रिस्पेक्ट अ लॉट फॉर दैट। बहुत कमाल की लड़की है ये, लेकिन इसने तुम्हें नहीं बताया कि होटल में एक गेस्ट ने इसे अपने रूम में बुलाया है और इसके साथ बदतमीजी की? जी नहीं, मुझे नहीं पता। ओह आई एम सो सॉरी आई स्पिल्ड द बीन्स, बट एक मिनट, बट बड़ा सवाल यह है क्यों छुपाया, वो भी तुमसे? यू सीइंग ईच अदर राइट? प्लीज आप जाइए यहां से। अरे चला जाऊंगा, चिल भाई, आई लीव, चला जाऊंगा, लेकिन जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई इन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? वैसे तो हम एक दूसरे को थोड़े टाइम से ही जानते हैं, लेकिन आई थिंक शी हैज ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट शी लाइक्स द बैड बॉय इन मी। बोले कि नहीं, लेकिन आई नो शी डज, एंड व्हाई नॉट, एंड एग्जॉटिक फ्रॉम माई वॉच टू माई परफ्यूम, जहां से मैं देख रहा हूं, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी खुशबू पसंद है ना। Please देखो देखो out. देखो क्या है, सुनो भैया, तुम गए काम से, तुम्हारा हो गया काम, सच बता रहा हूं, क्योंकि लड़कियां होती ऐसी हैं, कॉम्प्लेक्स्ड, कब कहां किसी और पे दिल आ जाए कुछ नहीं कह सकते। नहीं अच्छा ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, आज वैलेंटाइंस डे है, एंजॉय, लेकिन तुम आगे रहो या ना रहो, आज जो एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम, अगली बार
next year Valentine's Day with me, which will be bigger and better. Bye, bye, bye. Get yes, out. Yes, I'm out. क्या बोल रहा था ये? क्या बोल रहा था और ये यहाँ क्या कर रहा है? और इसके होटल में क्या बकवास कर रहा था ये? उसको तुम्हारे घर का एड्रेस कैसे पता? होटल से मिला होगा ना? मेरे से झूठ मत बोलो जानवी। झूठ मैं क्यों बोलूंगी तुमसे? तुम झूठ बोल रही हो जानवी। तुम घर पे हो, मैं उसे घर पे बुलाऊंगी? इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं पता था वो आने वाला है। Yes, 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 yes. अभी बता दो ये क्या चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। What do you want me to say? What do you want me to say? और ये क्या गिफ्ट दिया उसने तुम्हें? रिंग दिया तुम्हें? और वो भी वैलेंटाइन डे पे? जाके बाहर फेंक दो रिंग, मुझे नहीं चाहिए रिंग। मेरे को नहीं पता था वो बंदा आने वाला है यार। तुम फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम बकवास बंद करो, मुझे नहीं पता था वो आने वाला है। अब भी बता दो ये क्या चल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें। तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो, मुझ पे डाउट कर रहे हो। यू नो व्हाट, गेट आउट। तुम भी बाहर निकलो, गेट आउट।